मिल रहा है। कोई भी गद्दे पे एक बार आ जाएंगे वो कितने कब्जा कर सकते और गरीबी से उनका खून कैसे निकाल के अमीर लोग का और बढ़ाने के योजना बनाने वाला आज पार्लियामेंट पे है। कोई भी गरीबी का, मार्जिनलाइज का, महिला का, दलित का, आदिवासी का, उनका हक अधिकार के लिए बोलने वाला भी आज पार्लियामेंट पे कोई नहीं है। हमारा संसद ऐसा हो गया ये कोई भी हमारा विषय पे चर्चा कभी नहीं होते हैं। वहाँ क्या होते हैं हमारा का आज तक पता नहीं चलते हैं। फिर एक बात है, हम आज इधर हैं, हमारे का राशन कार्ड चाहिए, हमारे का गेहूं चाहिए, अनाज चाहिए, ये पूछने के लिए नहीं है, ये देश का बचाने के लिए, ये देश का बचाने के लिए हम लोग आज इधर है। जंतर मंतर पर देश से इतने कोने से ट्रेन पे बिठा के इतने तंडा पे हम लोग इधर आया, ये देश का बचाने के, हम बचा के देश का रखेंगे। अब गद्दे पे आ जाएंगे बाद में आपका किसका सरकार चल रहा है, आपका सरकार किसका है, ये हमारे के लिए नागरिक का है और करोड़पति के लिए सरकार चला रहे है, ये पूछने के लिए हम लोग आज इधर है। ये देश पे एक सबसे बड़ा अमीर है, उनका बेटी का शादी का अभी आमंत्रण पत्र के लिए 50 लाख रुपया खर्च कर रहा है। एक पत्र आमंत्रण पत्र के लिए वेडिंग कार्ड इनविटेशन का 50 लाख रुपया, एक पत्र लग्न पत्र, अरे शादी का आ जाओ, शादी आमंत्रण करने का एक लग्न पत्र, एक पत्र का 50 लाख रुपया खर्च कर रहा है। आप ये देश पे नागरिक 50 रुपया पूरा दिन कमाने के भी अभी मुश्किल चल रहा है, ये देश का शर्म का बात है। ये देश का अगर ये देश अभी हम लोग सोचेगा, ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र पे सब समान है, लोकतंत्र पे अमीर का एक नीति, गरीब का दूसरा नीति, महिला का एक नीति, दलित का एक नीति, आदिवासी का एक नीति नहीं होते हैं। सबका एक ही नीति होना चाहिए, सबका एक ही नीति के लिए ये देश का आजादी आया। ये देश का आजादी के लिए कितने लोग उनका जान दे चुका, आज तक वो सबका स्वप्न एक ही है, ये देश का नागरिक सबको खाने के खाना मिलना, उनका तो उनका खुद शेल्टर चाहिए, छोटा बात है और इससे सब बड़ा बात एक है, सब हम लोग जीने के हक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं सब नागरिक, सब इतने लोग है, हमारे का जीने के हक है, साथियों हक है। आपका जानकारी है ये देश का अभी कितने गरीबी आज भी भूख से मरने के स्थिति पे है। मैं अभी आपका साथी एक बात लेके आ रहे हैं, झारखंड का संतोष कुमारी है, 8 साल का बच्चा है, बिना खाना वो मर चुका ये देश पे, देश का इतने साल आजादी के बाद ये देश पे एक वो एक बार खाने के खाना देना अगर ताकत नहीं है तो ये देश का पार्लियामेंट है आप बंद करो, गरीबी का खाना देना ताकत नहीं है तो क्या चलाते है आपका पार्लियामेंट, क्यों ये संसद इधर आते हैं बैठते हैं, ये सवाल पूछना हम लोग आज इधर है। हमारे का सवाल है संविधान का सवाल सिर्फ नहीं है, मानवाधिकार का भी बात कर रहे हैं, क्या मानवाधिकार है, कितने हक है, सारे नागरिक का कितने अधिकार है, ये विषय पे हम लोग चर्चा और आगे बढ़ाना। हमारे का आज इधर है ये हक पूछना, क्या हक होते हैं ये देश का आप बता सकते, कोने पे कैसे चुनौत होते हैं, आज भी क्यों होना, चुनौत होने के कोई कारण है, आप अभी भी सोचते हैं, कई लोग कई डोमिनेंट का लोग सोचते हैं, उच्च जाते नीच जाते जैसा कुछ नहीं चलते हैं, संविधान का रूप से हम सब एक ही है, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, हम सब एक है, ये बताने के लिए हम लोग आज इधर है। साथियों और एक बात बता रहे हैं, आप बोलते हैं जीने के हक है, जीने के हक सिर्फ नहीं गरीबों पे जीने के हक है, हमारे का गरीबा से जीने का हक है, ये देश का अंदर कट्टर पे शिविर का अंदर 2000 लोग घुस के मार चुका, आज तक कट्टर का अंदर सफाई का काम करने वाला मेरा माँ बाप भी ये काम करने वाला है, जैसा लोग वो कट्टर का अंदर घुसा के घुसने के बाद वो कोई पॉइजन गैस आ जाते हैं मर जाते।
दलित भी हो सकते, वो आदिवासी हो सकते, दूसरा जाति भी हो सकते, कोई भी हो सकते, ये देश का नागरिक है। वो गट्टर के अंदर घुसना पड़ता है, अगर घुसे तो बाहर आना डाउट है, वहां जान निकालते हैं। उनका जान बचाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है, ये हम लोग पूछ रहे हैं। 2000 लोग मर चुके हैं देश के अंदर, आप बताओ ये देश का आतंकवाद से भी इतने लोग कहीं नहीं मरा। ये देश का सबसे ज्यादा लोग कट्टर का सीवर पे मर चुका, फिर भी ये देश का प्रधानमंत्री होगा कोई भी होगा, एक छोटा योजना भी नहीं बनाया आज तक, टेक्निक रूप से साफ करने के एक भी नहीं है आज भी, क्यों होते हैं ऐसा। ये देश आजादी भारत हो या तो ये देश का सफाई कर्मचारी उनका गरिमा से जीने के हक नहीं होते हैं क्या, ये बात करना हम लोग। और साथियों आप समझना, ये देश का महिला का हक अधिकार के लिए भी हम लड़ना पड़ते हैं, क्यों तो आज का दिन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एक महिला हक के लिए उनसे हिंसा का ऊपर धिक्कार करके ये आंदोलन चल रहा है। ये देश में भी मित्र सत्ता पुरुष का सत्ता और भी है, हम लोग कभी दूसरा लोग से अधिकार के लिए हक के लड़ रहा है वो समय हम लोग पुरुष व जाति भी सोचना पड़ते हैं, महिला का हक का अधिकार का हम कैसे बदनाम कर रहे हैं ये हम लोग सोचना पड़ते हैं, दूसरा जाति लोग दलित का हक अधिकार कैसे खींच के हम लोग हम आज है ये सोचना पड़ते हैं, आदिवासी लोग उनका जमीन जंगल के लिए कैसे लड़ रहा है वो भी देखना। ये देश पर एक खतरनाक बात क्या है, अब कितने बार भी तंत्र मंत्र ऐसा आ जाएगा हम आंदोलन करेंगे फिर भी सरकार कुछ भी नहीं सुनते हैं, ये डेमोक्रेसी पे लोकतंत्र का नीति का आचार नहीं है। अगर लोकतंत्र बचाना चाहिए तो लोग का बात ये देश पे कोई गद्दे पे बैठे के प्रधानमंत्री आप सुनना पड़ते हैं। किसान ये देश पे आ गया इधर पार्लियामेंट में, इतने का लाख लाख किसान उनका बात आज तक सुन रहा है नहीं सुन रहा है, अभी इतने लोग हम लोग आया हमारा बात भी वो लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, बट हमारा लड़ाई होना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी होगा कोई पार्टी होगा, हमारा लड़ाई आगे लेके जाना, दलित महिला आदिवासी गरीबों मार्जिनलाइज और अल्पसंख्यक और कितने लोग हैं सबका ये देश में आजादी से उनका कुछ ना तो कुछ एक फीलिंग होना चाहिए, मैं आजादी भारत का एक नागरिक है गर्व से जीने के, ये देश का बचाने के लिए हम सारे और इकट्ठा होना, सारे संस्था लोग अभी इकट्ठा हो जाएगा, हम ये देश का बचाना ये देश को सीखा नहीं है, आप नहीं सोचो ये देश प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का नहीं है, ये देश हमारा है, ये देश का संपत्ति हमारा है, ये देश का सब हिस्सा लेने तक हम आगे लड़ाई करना। जय भीम जिंदाबाद।